ये पिंडी प्लान क्या है और इसकी जुज़ियात नुकात क्या हैं, और क्या मुल्क वाकई ही जल्दी इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, इसके ऊपर हम उनसे बातचीत करेंगे। दूसरी अहम बात जो है वो उसका जिक्र सेठी साहब पहले भी करते रहे हैं, आज दारी में भी उन्होंने किया है कि नवंबर जो है उसकी अहमियत, नवंबर का महीना जिसमें कि बहुत बड़ी एक नई अपॉइंटमेंट होनी है, वो कैसे होगी, कौन करेगा, उसके ऊपर सियासी जो कुव्वतें क्या वो मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देकर कंसेंसस से कुछ करेंगी या मौजूदा पोलराइजेशन जो है वो जारी रहेगी। एक और अहम मौजू ये है कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो बिजली के बिलों के खिलाफ ट्वीट्स कर रही थी आज सारा दिन, और यकीनन वो अवाम बेहद तंग है जो महंगाई का तूफान खड़ा हुआ है IMF के प्रोग्राम के बाद, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ये जो टेंशन है ये किस तरफ जा रही है, क्या ये सिर्फ एक सियासी हरबा है या वाकई ही में पार्टी के अंदर बहुत बेचैनी है, इसके ऊपर भी और मौसम पर भी बात करेंगे। तो वेलकम सेठी साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये आप देख सकते हैं मरियम नवाज के मुख्तलिफ ट्वीट्स जिसका जिक्र मैंने भी किया। जी सेठी साहब, तो सबसे पहले तो पिंडी प्लान की थोड़ी सी बात हो जाए, ये आपने इसका नाम ही पिंडी प्लान रख दिया है, जरा ये तो बताए कि ये है क्या और ये कि ये किस तरह से रोल आउट होगा अगर वाकई को ऐसा प्लान बन रहा है तो। जी मेहरबानी रजा, आपको मैं सिर्फ याद दिलाता चाहूँ चलूँ कि जब से ये हुकूमत आई है मेरा मौकफ ये रहा है कि किसी न किसी स्टेज पे सोनर रादर देन लेटर एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को कहेगी कि अब आप इलेक्शन की तरफ बढ़ें। मेरा ये मौकफ रहा है कि जैसे ही हुकूमत आई थी एस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा था कि आप जल्दी इलेक्शन की तरफ बढ़ें और अगर आप IMF का प्रोग्राम कर सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप जल्दी घर चले जाएं, एक दो कानून ठीक कर लें जो आपके आपने करने हैं और फिर केयरटेकर्स को लाने दें। हमने केयरटेकर्स तैयार कर लिए, हमने इंटरव्यूज भी कर लिए, तो हम IMF का प्रोग्राम केयरटेकर्स के जरिए कर लेंगे, IMF को भी कोई इशू नहीं है और हम इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। उस वक्त PDM के पॉपुलैरिटी अच्छी थी और इमरान खान की कमजोर होती जा रही थी बिकॉज उन्हें भी निकाला गया था, तो ऐसे लगता था कि अगर इलेक्शन जल्दी हो जाते उस वक्त, आज तक इलेक्शन हो गए होते तो शायद PDM के भी चांसेस अच्छे थे, मगर ऐसे नहीं हुआ। PDM ने ये फैसला किया कि वो रहेंगे और मुश्किल फैसले करेंगे और वो पूरी टर्म करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर कहता रह गया कि किसी न किसी स्टेज पे फिर भी इनको जल्दी घर जाना पड़ेगा और एस्टेब्लिशमेंट किसी न किसी स्टेज पे कालीन खींच लेगी और कहेगी कि अब हमारे पे प्रेशर आ रहा है इमरान खान साहब से, तो अब आप घर जाएं और इलेक्शन की तरफ तैयारी करें। और मेरा खदशा यह है कि अब वो सूरत हाल फिर वापस आ गई है और इमरान खान ने इतना प्रेशर डाल दिया है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर, और कामयाब हो गए हैं वो प्रेशर डालने में, कि अब एस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ रहा है कि किस तरीके से बात आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि खान साहब को वो विश वे तो कर नहीं सकते। खान साहब की पॉपुलैरिटी ऐसी है और उनका सपोर्ट ऐसा है इदारों के अंदर भी और जुडिशरी के अंदर भी कि आप उनको नाअहल करा के आउट नहीं कर सकते सिस्टम से, और आपको नजर आ रहा है क्योंकि जुडिशरी की भी जो अप्रोच हो रही है वो भी सॉफ्ट है इमरान खान की तरफ और एस्टेब्लिशमेंट की अपनी जो अप्रोच है खान साहब की तरफ वो सॉफ्ट है। ये अभी आपने देखा जो ISPR की तरफ से स्टेटमेंट आया, मेरे हिसाब से बहुत सॉफ्ट है। आमतौर पे इस किस्म के स्टेटमेंट के ऊपर तो आर्मी एक्ट 1952 का लगता है और कोर्ट मार्शल हो जाते हैं लोग, और बड़े लोग हुए भी हैं, और मगर यहाँ तो बड़ी नरमी के साथ सवाए अंग्रेजी का एक लफ्ज अगास्त, जिसका मतलब है कि हाँ शॉक पहुंचा, ये नहीं कि बहुत दुख हुआ और ना ही कंडेमनेशन हुई है उसकी, अनफॉर्चुनेट रिग्रेटेबल बड़ा अफसोस हुआ है, इस किस्म की उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं जो कि बड़े सॉफ्ट लफ्ज हैं। और मुझे इस बात का भी पता है कि डिबेट भी चली है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि क्या सख्त जवाब होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए या कोई जवाब नहीं होना चाहिए ISPR की तरफ से, और गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि वो सख्त जवाब दे, मगर इवेंचुअली ये फैसला हुआ कि नहीं हमें कुछ कहना चाहिए, हमारे ऊपर डायरेक्ट अटैक है और मगर थोड़ा सा इसको सॉफ्ट रखा जाए। और जिन तजियाकार ने इसको इंटरप्रेट किया कि ये बड़ा सख्त बयान है वो गलत बयान नहीं, वो गलत असेसमेंट है इन माई व्यू, मैं समझता हूँ बड़ा सॉफ्ट था।
और मैं ये भी समझता हूँ कि खान साहब की जो अप्रोच है वो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होती जा रही है टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट आल्सो। अभी हाल ही में खान साहब ने दो बातें कही हैं, एक ये कि मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा अगर आर्मी चीफ जो है वो ये गवर्नमेंट लगाती है, और दूसरा उन्होंने कहा मुझे फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। और उन्होंने इस किस्म का ये बयान दिया है कि अब कोई भी आर्मी चीफ जो ये गवर्नमेंट लगाएगी या एक्सटेंशन देगी या जो भी, वो खान साहब को मंजूर नहीं होगा, और खान साहब उसको कंट्रोवर्शियल इन एडवांस ही बना दिया उन्होंने। तो ये एक अच्छा खासा खान साहब की स्ट्रेटेजी जो है ये कामयाब हो रही है। अब एस्टैब्लिशमेंट को सोचना पड़ रहा है कि फिर हम कैसे इसको निपटेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक पिंडी प्लान बना है या बनने जा रहा है या सोच हो रही है, अब आप इसको जैसे मर्जी समझ लें, मैंने अपने आप को भी तो प्रोटेक्ट करना है। तो उस प्लान के ये फॉलोइंग हिस्से हैं, वो ये हैं कि हमने एक लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है। आपको पता होगा मैंने बहुत दफ़ा ये जिक्र किया है कि इवेंचुअली एक लेवल प्लेइंग फील्ड करनी पड़ेगी इमरान और नवाज शरीफ के लिए, ताकि दोनों साइड जो है वो ये ना कह सकें कि हमारे साथ हाथ हो गया। तो इसलिए वो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे करनी पड़ेगी, लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ इलेक्शन के जरिए हो सकती है, और इलेक्शन जो है वो कैसे लेवल होंगे, वो उसी सूरत में होंगे कि नवाज शरीफ भी फ्री मैन होके लड़ाई करें और लड़े, और इमरान खान भी उनके ऊपर भी कोई तलवार ना लटकी हो, दोनों जो है वो आज़ाद तरीके से अपनी पार्टियों को लीड करें और इलेक्शन की तरफ जाए, और दोनों के इक्वल चांसेस होने चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड। तो मेरा ये ख्याल है कि अब एस्टैब्लिशमेंट ने ये प्लान को एक्टिवेट कर दिया है या सोच रहे हैं करने को, जिसके तहत पहले इसहाक डार साहब वापस आएंगे, रास्ता खुलेगा, फिर इमरान, फिर नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, कोई जेल वेल नहीं जाएंगे, इलेक्शन ऑर्डर हो जाएंगे, ये गवर्नमेंट घर चली जाएगी, इलेक्शन ऑर्डर हो जाएंगे जनवरी के लिए, और केयर टेकर्स जो है वो अपना अगला आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे नवंबर के अंदर, और वो आर्मी चीफ जो है वो कंसल्टेशन बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट पीडीएम एंड इमरान खान या नवाज शरीफ एंड इमरान खान बिहाइंड द सीन्स, तीन दोनों को एस्टैब्लिशमेंट बैठ के इनडायरेक्टली फैसला करवाएगी कि किसको आर्मी चीफ बनाना है, ताकि दोनों को कबूल हो और कोई कॉन्ट्रोवर्सी ना हो, और फिर अगले जनवरी में या फरवरी में इलेक्शन होंगे और फिर देखा जाएगा क्या होता है उस इलेक्शन के अंदर। उससे पहले पंजाब जो हुकूमत है वो वापस दे दी जाएगी नून लीग को, ताकि नून लीग बैलेंस कर सके पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत विद द के पी हुकूमत जो खान साहब के पास है, और जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर। बलूचिस्तान तो खैर सभी के पास है और किसी के पास नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के पास। तो मैं ये समझता हूँ सारे स्टेक होल्डर्स को एक एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल जाएगी, और जब केयर टेकर्स आएंगे तो जाहिर है उनका इस पे हर गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर उनका हाथ होगा इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। एक तरफ से ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी, दूसरी तरफ से ये लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगी कि आर्मी चीफ म्यूचुअल कंसेंट के साथ अपॉइंट होगा, तीसरी तरफ ये कि दोनों प्लेइंग फील्ड में सारे सियासी जमातें और सियासी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, नवाज शरीफ साहब भी आएंगे, और तलवारें लटकी रहेंगी इनके ऊपर जो एस्टैब्लिशमेंट ने लटकाई थी, अब खान साहब के ऊपर भी लटकी हुई है, दो तीन तलवारें लटकी हुई हैं, मगर इस्तेमाल नहीं होगी खान साहब के खिलाफ। तो ये अगर आपका ख्याल है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है बड़ी टफ लाइन लेगा, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। वो होगा, खान साहब भी कोई रास्ता निकालेंगे, वो भी कोई रास्ता निकालेंगे, और अगर दोनों से कोई रास्ता नहीं निकलता तो सुप्रीम कोर्ट रास्ता निकाल देगा। आई डू नॉट थिंक फॉर अ मिनट दैट एट एनी स्टेज इमरान खान साहब को जुडिशरी डिस्क्वालीफाई करेगी परमानेंटली। अगर हाई कोर्ट से हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर देगा या स्टे हो जाएगी और काम मामलात आगे चलेंगे। इसी तरीके के साथ खान नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं वो भी एक किस्म के स्टे पे ही होंगे और उनको इजाजत मिलेगी टू गेट ऑन विद लाइफ। बाद में देखा जाएगा कि कौन सी हुकूमत आती है इलेक्शन के बाद और क्या होता है क्या नहीं होता। जाते जाते मैं ये कह दूं कि खान साहब को चाहिए थी इलेक्शन और खान साहब को चाहिए था आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो उनकी अप्रूवल के साथ हो, जरूरी नहीं कि उनका बंदा हो मगर ना ही नवाज शरीफ का बंदा हो, तो वो भी सेटल हो जाएगा, इलेक्शन भी हो जाएगी, नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो जाएगी और इलेक्शन हो जाएंगे, फिर देखा जाएगा कौन जीतता है कौन हारता है।